हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ माय प्लेट। तो आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता सबको बहुत ही पसंद होता है। आज हम पास्ता को व्हाइट सॉस में बनाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पास्ता को उबालने के लिए सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे। फिर इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। पानी अभी उबलने लगा है, अब इसमें 100 ग्राम पेनी पास्ता डाल देते हैं। पास्ता को हम नरम होने तक उबालेंगे। पास्ता को अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको छान के एक बॉल में निकाल लेते हैं। अभी हम पास्ता के लिए सब्जियों को हल्का सा भून लेते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करते हैं। पैन गरम होने के बाद 3 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल थोड़ा गरम होने के बाद इसमें कटी हुई लहसुन डाल देंगे। लहसुन थोड़े भून जाने के बाद इसमें कटी हुई गाजर डाल देंगे। फिर कटे हुए शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। फिर कुछ स्वीट कॉर्न डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। सब्जियों को अब एक बॉल में निकाल लेंगे। चलिए अब पास्ता के लिए व्हाइट सॉस बनाते हैं। तो पैन में हम 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर को मेल्ट होने देते हैं। अभी 2 टेबलस्पून मैदा हम बटर में डाल देंगे और उसे लगातार चलाते हुए कलर बदलने तक भूनेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे और हम लगातार मैदा को चलाते जाएंगे ताकि ये इसमें गुठलियां न पड़ जाएं। सॉस को हम लगातार चलाते हुए पका लिया है। हमारा गाढ़ा सॉस बनकर तैयार है। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरेगानो, स्वाद अनुसार नमक डाल के फिर से मिक्स कर देंगे। सॉस बहुत जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है, तो अभी हम इसमें भुने हुए वेजिटेबल्स डाल देंगे और मिला लेंगे। अब हमारा उबला हुआ पास्ता डाल के सॉसेस के साथ अच्छे से मिला लेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी और इसे घर पर बनाना बहुत ही इजी होता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।